आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस ने अपनी 50% से अधिक सीटों पर दावेदारों की सूची जारी कर ली है और जल्द ही कांग्रेस अपने दावेदारों की पहली सूची जारी करेगी। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल यानी शनिवार को कांग्रेस संकल्प दिवस के रूप में गांधी पार्क में उपवास पर बैठेगी। हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम आधे से ज़्यादा नामों पर क्यों आधे से ज़्यादा ही है बिल्कुल 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अपने फेसबुक में एक वो चलाया था ना, कदम कदम बढ़ाए जा गणेश प्रीत के कांग्रेस गाए जा कांग्रेस के गीत तो आप लोग बहुत कहते थे, तो मैंने गणेश प्रीत के गीत गाए जा इसको हमने 45 से ज़्यादा नामों पर सर्वसम्मत बना ली है कि कल उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हमारे दलित परिवारों का उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुशासन हो, भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों का जिक्र आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया, इन मुद्दों को लेकर हम हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने उपवास के रूप में इन बातों का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को जनता के हित में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के मकसद से कल बैठेंगे। नंबर एक बात, आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।